अनंतर तथा भी अनंतर। भगवान के नाम है अनंत, क्या नाम है अनंत, इसलिए अनंत के इसके अंत नहीं है। अनंत भी है। कल्प भेदेशु हरि कथा, विभिन्न कल्प में भगवान विभिन्न रूप में प्रकटित होते हैं और लीला आदि करते रहते हैं। नित्य धाम में भगवान नित्य ही विराजमान रहते हैं और काल किसके समय, काल के अनुसार स्वयं भगवान लोक कल्याण के लिए जगत में प्रकटित होते हैं। उस लीलाओं को दर्शन करके, श्रवण करके व कीर्तन करके जीव इस माया रूपी संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके इस जगत में आते हैं। कैसे आते हैं? अपने धाम और परिकार के साथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद शिव धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाई शरणागति भगते। महाप्रभु की भी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया चैतन्य महाप्रभु जीवों के कल्याण के लिए भी नित्य सतदेव धाम से इस धराधाम में प्रकटित होते हैं। जितने भी भगवान की अवतार है, सब अवतार के अलग अलग धाम है, जिसको विष्णु लोक कहा जाता है। कितने विष्णु लोक है? अनेक, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिंच जा बराप्रद अपार सिद्धि रिद्धि सत्पदांगुली नखे कदा करी शशियमान कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष भी वर्णन हुआ है। एक विष्णु लोक नहीं, अनंत करोड़ विष्णु लोक है। उसे कहा जाता है महावैकुंठ। एक होता है वैकुंठ और एक होता है महावैकुंठ है। भगवान की अवतारों की अपने अपने धाम को कहा जाता है वैकुंठ कहा जाता है। और अनंत करोड़ ये वैकुंठ जो है उसके लिए कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है। उस महावैकुंठ धाम में भगवान की अनंत अवतार की स्थान है। वो जैसे मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह आदि ये समस्त के विष्णु अवतार नित्य विराजमान रहते हैं। समय समय के अनुसार वह समस्त अवतार आदि जगत में प्रकट होते हैं और असुर मारण आदि करके, वर्णाश्रम धर्म आदि स्थापन करके फिर नित्य धाम में चले जाते हैं। उसी प्रकार स्वयं रामचंद्र भी समय समय प्रकट होते हैं।
सब ये कृष्ण स्वयं भगवान है, राम आदि जितने भी है सबके अवतार माना जाता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा, रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण संगवत परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं भगवान है। इति चंग से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति च अंश कला। अर्थात व्यासदेव जी ने जो लिखते जा रहे हैं श्रीमद् भागवत में उसी कथा को सुत गोस्वामी पास सोनकादि ऋषियों की कथा सुना रहे हैं और सुत गोस्वामी पास इसी कथा को जो है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद श्रवण किया। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को परीक्षित महाराज जी को सुनाया है। और सुखदेव गोस्वामी कहाँ से सुने, व्यासदेव से। अब व्यासदेव कहाँ से सुने, नारद ऋषि से। नारद ऋषि इस कथा को कहाँ सुना है, नारद ऋषि पिता ब्रह्मा जी से सुना है। और ब्रह्मा जी इस कथा को कहाँ से सुना है, भगवान से श्रवण के। कृष्ण इति हम लोग की गुरु परंपरा में कृष्ण इति चतुर्मुख हन कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा इति नारद इरमति नारद होते व्यास मध्य कहन व्यास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ। तो इसी प्रकार गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी की कथा आमनाय वाक्य कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ये भगवान रामचंद्र की कथा भी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं दसम स्कंध में पहले श्लोक में ही कह दिया कथित तो वंश विस्तारो सोम सूर्जयो। आपने पहले मुझे सूर्यवंग कथित तो वंश विस्तार सोम सूर्जयो, सोम माने चंद्रवंश की कथा और सूर्यवंश की कथा बहुत विस्तार रूप में श्रवण कराया है। चंद्रवंश में अनेक बड़े बड़े राजा लोग आए और उसमें विशेष करके कृष्ण की महिमा बताया गया। कृष्णचंद्र चंद्रवंश में आए थे और भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में पधारे है। क्योंकि जितने भी अवतार आदि जो है ये सब उनकी सब नियम रहता है कौन अवतार कब आएगा है, ये विधान सब पूर्व निर्धारित है, वोट के द्वारा नहीं होंगे हाँ समझ रहे। जैसे कोई इस जगत में हम देखते हैं राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो तो कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, वोट के द्वारा। किंतु शास्त्र में ये कौन भगवान कब किस युग में प्रकटित होंगे सब पहले से है निर्धारित है। निर्धारित समझ दो है रखा गया है। इसलिए जिसको तिसको भगवान कह करके पुकारना ये अपराध हो जाता है। इस कलयुग में भगवान कौन होंगे इसके भी प्रमाण है, शास्त्र में प्रमाण है। इस कलयुग में भगवान कौन होंगे चैतन्य महाप्रभु, इसके उदाहरण कहाँ है वो क्या बोले नहीं वो क्या बोले टिश्यू पेपर है नहीं है
तो मेरा कहने की तात्पर्य यह है, संसार के लोग जिसको जिसको भगवान कह करके उसके पीछे दौड़ता रहता है। हाँ बोलिए, एक साथ में चार पांच लिया। हाँ, जिसके उसके भगवान को उसके पीछे दौड़ते रहते, थोड़ा बहुत कोई अनिमा लघिमा है अष्टनिधि महानिधि के प्राप्त कर लेते हैं, है? लोगों के किसी प्रकार जो सामान्य कुछ वो क्या बोलते हैं चमत्कार दिखा देते हैं, लोग उसके भगवान मान लेते हैं। किंतु भगवान के लक्षण क्या है, किस लक्षण के द्वारा हम भगवान कहेंगे, भगवान के स्वरूप क्या है, और कौन भगवान कब आएंगे, इस समस्त शास्त्र में लिखा है सर। मेरे कहने की यही तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत में इसलिए एकादश स्कंध में नवजगंध संवाद में स्पष्टीकरण कर दिया, इस कलिजुग में भगवान कौन होंगे, किस लक्षण के द्वारा हम समझेंगे वो भगवान है, किस मंत्र के द्वारा उसकी पूजा होंगे, ये समस्त वर्णन है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण सांगोपांगोस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंती ही सुमेधस है, लिखा है कि नहीं भागवत। कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्ण, कलिजुग में जो भगवान होंगे, स्वयं भगवान होंगे, प्रकट होंगे, उसके करे कृष्ण वर्णद्वय जो सदा सर्वदा रटेंगे, कीर्तन करेंगे, स्वयं भगवान होकर कृष्ण वर्ण अथवा कृष्ण ही कलिजुग में प्रकटित होंगे। कैसे प्रकटित होंगे, अकृष्ण होकर, अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण माने कृष्ण वर्ण नहीं रहेंगे, वो गौर वर्ण होकर प्रकट होंगे। इसलिए कृष्ण वर्ण तिशा अकृष्ण, तिशा माने उनके अंग कांति, अकृष्ण माने गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण सांग पांगो अस्त्र पार्षदम, संग अंग उपांग के साथ वो प्रकटित होंगे। नित्यानंद प्रभु, क्या बोले, हाँ नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य उनके साथ है। ये अंग है, अंग के अंग उपांग कहा जाता है, शिवासादि भक्त वृंद सांग पांग सांग हाँ कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांग पांग पार्षद, पार्षद कौन है, गदाधर आदि हैं, श्रीमती राधिका ही गदाधर के रूप में प्रकटित होंगे। कृष्ण वर्णन तिशा कृष्ण संग पंग सब पार्षद जग्ग संकीर्तन, नाम संकीर्तन जग्ग के द्वारा ही जगत जीवों की कल्याण करें, और वही नाम संकीर्तन की पूजा हो। कृष्ण वर्ण तिशा संग पंग प्रसम जग्ग समुद्र प्रारी जजंती सुमुद्र सब, बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति जो है उनकी इसी प्रकार पूजा करे, आराधना करे। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की प्रकट के बारे में भी आ रहे, अयोध्या धाम है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है साकेत धाम व अयोध्यापुरी, नित्य अपराग्त चित जगत में वहाँ पर भी जो धाम है उसे कहा जाता है अयोध्या व साकेत धाम कहा जाता है। ये
इसी कथा को जो है सनत कुमार चारु कुमारों के साथ नारद ऋषि ने एक कथा को सुना है। बहुत ही समस्त सुंदर कथाएं जो है इसे कहते कहते हैं। इखाकुले जातो भविष्यति सुधार्मिक नमना दशरथो राजा श्रीमान सत्तप्रति श्रव। इखाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्तप्रतिज्ञ राजा होंगे। इखाकु वंश में क्या बोले, अरे इखाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसके नाम होगा शांता। अंगद देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महाजशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे। और कहेंगे, धर्मात्मा मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो संता के पति ऋषि सिंह मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे, इससे मुझे पुत्री का पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मनीमन उत्सव विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद संता के पुत्रवान पति के और उनके साथ भेज देंगे। और ब्राह्मण ऋषि सिंह के पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और भी प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर दिए, श्रेष्ठ ऋषि सिंह का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से अपने अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। इसी कथा को सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर महाराज भगवान सनत कुमार जैन ऋषि के साथ ऐसी कथा कही थी। इस अभी जहां पर हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं जे इखाकु वंश में महाराज दशरथ प्रकट हो।
तो उसी वंश में अनेकों राजा भी हुए, बड़े बड़े प्रभावशाली राजा हुए और उसमें विशेष करके रघु हुए और उसी वंश में औज हुए, औज के पुत्र दशरथ। तो इस प्रकार जी कहने लगे जी, दशरथ महाराज की अनेकों तो रानियां थी, 360 रानियों के बारे में सुना जाता है। कितने पत्नियां थी? 360 है, किंतु किसी के पास पुत्र आदि नहीं थे। किंतु यहाँ पर भी विष्णु पुराण आदि में भी लिखा है जी, दशरथ महाराज की कन्या थी, उसके नाम थे, पुत्री के क्या नाम थी? शांता। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। यहाँ पर कौशल्या की पुत्री थी लिखा है, क्या? दशरथ महाराज के औरस से कौशल्या की गर्भ से ये शांता हुई थी। उन्होंने राजा रोमपाद को दत्तक पुत्र के रूप में दिया था। विचार कर ले, बेटी तो है, ठीक है, बेटी को दे दिया रोमपाद को दे दिया। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरत से और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी, ऐसे विष्णु पुराण में भी लिखा गया। और वही शांता के साथ ऋषभ सिंह के साथ विवाह हुई। ये भी कथा भी रोचक है। जब ये शांता जब बड़ी हुई तब उनके पिता चिंतन करने लगे, मेरा बेटी के साथ किसके साथ विवाह कराया जाए। तो अब उन्होंने ऋषसिंह के साथ विवाह कराया। ऋषसिंह थे, कौन थे? कल बताया था तो भूल गए। ये विभंडक नाम कोई ऋषि था, उसकी पुत्र था ये विभंडक। कौन सा ऋषि, क्या बोल रहे? विभंडक के पुत्र था, विभंडक। वो सदा सर्वदा पिताजी के पास रहते थे, मुनि पुत्र थे वो।
बाहर कहीं नहीं जाते थे, उनके पता ही नहीं इस जगत में स्त्री पुरुष क्या चीज है, एक बार रोमपाद के राज्य में जो है वर्षा नहीं हुई, तब उन्होंने कहा कि नहीं ऋषभ सिंह की जो है लेकर के यज्ञ अनुष्ठान कराया, उससे ही वर्षा हुई, उसके भी लाना भी बहुत कठिन था। उनके पिता उपास रहते थे, वो समझ में आया कि नहीं, आवाज नहीं है। यहां पर जो वर्णन होते जा रहे हैं, ये राजा दशरथ जो यज्ञ अनुष्ठान किया, पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान किया, किसके द्वारा करा, रोमपाद के द्वारा करा, ऋषभ सिंह के द्वारा, मैं राम ऋषभ सिंह का, वो ऋषभ सिंह कौन थे, एक्चुअल दशरथ महाराज के वो दामाद थे, किंतु दशरथ महाराज तो अपने पुत्री रोमपाद को दे दिया है, और रोमपाद और शांता के साथ ऋषभ सिंह के साथ विवाह कराया था है। और यहीं पर ऋषभ सिंह की कथा यहाँ पर आ रहे हैं, ये ऋषभ सिंह कैसे थे, वो अपने पिताजी के साथ वन में रहते थे, उनके कभी कभी स्त्री पुरुष का कोई ज्ञान नहीं था, तो उसके लाने के लिए राजा ने किया कि कुछ बेसाओं के भेजा है, फिर उनके साथ मिले और उनके लेकर के आए, और उनके द्वारा ही यज्ञ कराया था। इसलिए इस कथा को जो है सुमंत्र राजा दशरथ के सुनाया, राजा दशरथ के प्रधानमंत्री थे सुमंत्र, क्या बोल रहा बताया, और उन्होंने ये सारी कथा को सुनाया, दशरथ महा तो भूल गए, जब उनके छोटा बेटी थे उस समय तो रोमपाद राजा को दत्तक पुत्र में दे, पुत्री के रूप में दे दिया, वो तो बहुत दिन हो गया चले आज, फिर शांता के साथ कैसे ऋषभ सिंह का विवाह हुई, और ऋषभ सिंह कैसे रोमपाद के राज्य में कैसे आए, ये कथा उन्होंने सुनाया, समझ में आया कि नहीं, क्या बताया बताओ तो, उनके जो प्रधानमंत्री थे सुमंत्र थे, सुमंत्र ने दशरथ महाराज को सुनाया जी महाराज आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए जिससे आपके पुत्र प्राप्ति होंगे। सुमंत्र ने कहा, सुमंत्र ने ये कहा था जी मैं इस कथा को जो पहले में ही सुना था है। तो फिर उनके साथ, तो इसलिए
दशरथ महाराज ऋषि सिंह के लेकर के यज्ञ कराए उस यज्ञ में जो क्या बोलते हैं चोरू कहते हैं ना खीर योनि, उस खीर को उन्होंने पहले आधा जो है इसको दे दिया कौशल्या के दे दिया, फिर आधा रह गया, उस आधा को कैकेयी के दिया, उसे कैकेयी ने उसको आधा बांट करके सुमित्रा को दे दिया। उससे जो है प्रकट हुए, फिर उन्होंने भी अपने आधा दे दिया, आधा भाग करके दे दिया, किसको? सुमित्रा को दिया, जिसमें सुमित्रा के दो पुत्र हुए और कैकेयी के भरत एक पुत्र हुए और कौशल्या की एक पुत्र चलो उनके इसी प्रकार जो है चार पुत्र हुए। दशरथ महाराज के कितने पुत्र हो गए? चार पुत्र।
राम कौशल्या से और भरत कैकेयी और सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार चार पुत्र जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर उन लोग की वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भेजा, उनसे भी दीक्षा आदि मंत्र भी लिया। भगवान रामचंद्र किसे दीक्षा लिया? वशिष्ठ ऋषि। कृष्ण किसे दीक्षा लिया? भागुरी ऋषि से दीक्षा लिया। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र सारी विद्या अध्ययन आदि वशिष्ठ ऋषि से प्राप्त हो। चारों भाई घर में लौट करके आए। इसके पश्चात चारों की विवाह की व्यवस्था भी हुई। ये भी प्रसंग भी बहुत मधुर है। जब चारों पुत्र जब युवा हुए, देखने में सुंदर हुए, तब उस समय विश्वामित्र ऋषि पधारे उनके घर में, दशरथ महाराज के गृह में। विश्वामित्र ने कहा, देखो मेरा आश्रम में जो है तारका आदि ऐसे ऐसे असुर जो है उत्पात करते हैं, इसलिए मुझे राम लक्ष्मण के दिया जाए। और दशरथ महाराज विचार करने लगे, राम लक्ष्मण तो हमारे आंखों के तारे जैसे, इसलिए उन्होंने क्या की, भरत और शत्रुघ्न को दे दिया। विश्वामित्र दोनों के लेकर के चल पड़े। रास्ते में बीच रास्ते में जाकर कहने लगे, देखो मेरा आश्रम जाने के लिए दो मार्ग है, दो रास्ता है, एक सीधी रास्ता और एक थोड़ा घूम करके जाना पड़ता है। देखो सीधी रास्ते में जाए वो राक्षस मिलेगा, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, वो बहुत कष्टदायक स्थान। और जो टेढ़ा रास्ता जो है घूम करके जाना है, उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं है। तुम लोग बोलो कौन सा रास्ते में जाना चाहते हो? तो भरत लक्ष्मण बोले, हम भाई रिस्क क्यों लें, ले क्या क्या करें, घूम करके चले
तब वो विश्वामित्र बोले ये दोनों राम लक्ष्मण नहीं है, लौट करके आ गए। दशरथ महाराज जी के बोले तुमने मुझे है प्रताड़ना की है, राम लक्ष्मण के नहीं। फिर उन्होंने क्या कि वशिष्ठ ऋषि कहने पर फिर उन्होंने राम लक्ष्मण को दिया है। अरे चेयर में बैठो, अरे मारी, अरे बैठो। पहले किसको दिया था? दशरथ महाराज, भरत और शत्रुघ्न को दे दिया। दशरथ महाराज रामचंद्र के प्रति इतने प्रति है वो देना नहीं चाहते, किंतु फिर वशिष्ठ ऋषि कहने यहाँ वशिष्ठ ऋषि कहने पर फिर उनको दिया। फिर राम लक्ष्मण के कहने बोले ये राम लक्ष्मण है कि नहीं परीक्षा कर लेते हैं। फिर विश्वामित्र ने कहा ये देखो दूर जाने के मेरा आश्रम जाने के दूर मार्ग है, रास्ता है, एक सीधी रास्ता होता है और एक घूम करके टेढ़े मेढ़े रास्ता है, कौन सा रास्ता है? हाँ, जो घूम करके रास्ता है वो निर्विघ्न में पहुंच जाएंगे, वहीं पर कोई बाधा नहीं आएगा है, वहीं पर राक्षसों पास कोई नहीं आपके तुम्हें बाधा नहीं सृष्टि नहीं करेगा। और इस सीधी रास्ते में जाओ तो अनेकों बाधाएं, तो उसमें कहने लगे हम सीधे रास्ते में जाएंगे, जो बाधा उसकी ही हम लड़ेंगे। तब तो उसने पहचान लिया ये राम और लक्ष्मण। फिर विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंचे, यज्ञ अनुष्ठान किया, उस समय तारका को वध किया है, टीवी सीरियल में दिखाते नहीं, बहुत सुंदर है। मारीच भी आए थे, एक किसके पुत्र था वो, तारका के भाई था कि बेटा था, याद है? मारीच कौन था? ये तारका के भाई था, लिखा है ना, पुत्र था जैसे भी हो है। अरे भगवान रामचंद्र एक बाण ऐसे मारे वो तो हजारों मील दूर जाकर के लुढ़क मिल जाए। आगे जाकर कथा प्रसंग ऐसे, रावण जब मारीच के बोले तुम हिरण की वेश धारण करो, सोने के हिरण बना और मैं इसी बहाना से सीता के मैं चोरी करके ले आऊं। उस समय मारीच कहा था आप नहीं जानते हैं राम के प्रभाव, जिसकी बाण से मैं एक बार कितना दूर चला गया था, किसी तरह से बच गया, और इस बार जी दिया तो राम मुझे छोड़ेंगे नहीं है। रावण ने कहा तुम मेरा बात नहीं सुनो, तुमको मैं मार देता हूं। तो मारी विचार करने लगे भगवान के हाथ में मरना ज्यादा अच्छा, तुम्हारे हाथ में मर के तो नरक में जाना पड़ेगा, अरे भगवान राम के हाथ में यदि मेरा मृत्यु हो तो मेरा सदगति है। मारीच एंड सुबाहु ये ताड़ों के पुत्र थे, हैं है? भाई थे, लिखा है ताड़का के दो भाई थे, मारीच और सुबाहु। सुबाहु तो मर गया था उसी युद्ध में आगे जाकर के। तो तारका की वध किया उन्होंने, वो भी प्रसंग बहुत सुंदर है।
कैसे भगवान रामचंद्र उस जगस्थ ने तड़का के वध किया है। कृष्ण किसको वध किया? पुतना को। रामचंद्र पहले किसको वध किया? तड़के वध कर दिया। सब जगह में स्त्री वध दिखाते हैं, क्यों है? अवध है, किंतु शास्त्र में लिखा है यदि वो नहीं अधार्मिक नहीं, जो आक्रमण करे, जैसे क्या बोलते हैं इसको, टेररिस्ट जो है, आतंकवादी हो, उसको क्या करें? बध के योग्य है ना है? तो अब नहीं बध कर तो वो फिर क्या करेगा है? मानना पड़ेगा उसको है? तो इसके ताड़ुका बध हुई है। ताड़ुका बध आदि के पश्चात फिर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे चले, मिथिला प्रदेश के ऊपर ओर चले। रास्ते में उन्होंने अहिल्या को जो है उद्धार किया है। अहिल्या के प्रसंग काल में हमने सुनाया था, कैसे बताओ? गौतम ऋषि के अभिशाप से है उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई है। तब रामचंद्र की चरण कमल के स्पर्श से वह नारी बन गए और भगवान रामचंद्र के परिक्रमा करके फिर नित्य धाम में वो चली गई। ये भी प्रसंग वर्णन है, है? कौन? तो आप तो बोले भाई थे पुत्र थे, कौन से? भाई थे किंतु वो दोनों भाई थे, स्वभाव और मार्ग दोनों भाई थे। हाँ, दोनों ताड़का। अच्छा, दोनों ये ताड़का के साथ उनके संबंध क्या था? पुत्र था। हाँ, मैं तो इसलिए कहा ना उसे आप भाई बोल, मैंने ये दोनों भाई था, दोनों भाई था लेकिन इनका पुत्र था। लोग कन्फ्यूज सृष्टि कर दिए थे ना। नहीं नहीं, वो तो बोल रहे हैं ये दोनों भाई इसको तो ऐसे बोले, ये दोनों भाई, यह दोनों भाई ताड़का के पुत्र हैं। अच्छा, फिर आगे जाकर के सीता जी के विवाह प्रसंग वो भी बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया। कैसे भगवान रामचंद्र सीता जी के साथ विवाह आदमी दिखाया गया। विवाह के पश्चात वो विवाह प्रसंग जो भी बहुत सुंदर भी दिखाया गया, हरधनुष भंग दिखाया है। ये धनुष जो था इसको भी कथा भी बहुत सुंदर है। ये शिव जी के धनुष था है, हर धनु, हर माने शिव है, ये शिव जी के पास है। और ये शिव जी ने इस धनुष को जो है दिया था परशुराम को दिया था है। और परशुराम ने जनक महाराज को दिया, श्रद्धा जनक। इस भी कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर है जी। 21 बार उन्होंने क्षत्रिय वंश के ध्वंस किया है परशुराम। 21 बार
क्षत्रिय वंश ध्वंस किया ना, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग जो है बहुत दुराचारी थे, प्रजा को शोषण करता था। इसलिए परशुराम ने किया कि ध्वंस किया 21 बार, और फिर उन्होंने सोच लेकिन मैं भजन साधन करूं निकलूं। उस समय इस वो धनुष के शिव जी के पास जा करके बोले, इस धनुष का मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं अपने तपस्या करने के लिए। शिव जी बोले, देखो ये धनुष दो व्यक्ति को आप दे सकते हो, आप निर्णय करो किसको देना है। मेरा दो शिष्य है, एक है रावण और दूसरी मेरा शिष्य है ये जनक महाराज भी शिव जी के जो है गुरु रूप में मानते थे, गुरु रूप में दोनों हमारे जो है इसको देते, किसको देना चाहते हैं विचार करो। उन्होंने देखा ये रावण दुराचारी थे, बोले यदि मैं ये धनुष को रावण के दे दिया, रावण इसको क्या करेगा, दुष्प्रयोग करेगा, अपप्रयोग करेगा, अपप्रयोग समझो मिस यूज करेगा। रावण चाहते थे वो धनुष मुझे प्राप्त हो जाए, तो उन्होंने उनको नहीं दिया। और फिर जनक महाराज हुए, जनक महाराज इस धनुष के शिव धनुष जान करके हर धनुष जान करके उनके अत्यंत आदर के साथ वो पूजा करते थे। उन्होंने उस समय ये प्रतिज्ञा की थी, इस धनुष के ऊपर जो प्रत्यंच चढ़ाएगा और उनके साथ उनकी बेटी की सीता देवी की शादी कराएगा। हो रहा है वो धनुष की, धनुष इतने शक्तिशाली भारी था, साधारण कोई व्यक्ति उठा नहीं सकते। सीताजी के प्रसंग में ऐसे है, सीताजी जदा कदा उस कमरे में जाकर के सांप आदि करते थे, बाएं हाथ में उठा लेते थे धनुष को, सीता देवी बाएं हाथ में उठा कर लेते, आप उठा करके नीचे तरफ सफाई कर देते फिर आ गए। एक दिन की बात है, रावण उस धनुष को लेने के लिए आ गया था, तो रावण थोड़ा सा उठाया और उठाने से ऐसे गिर गया, वो धनुष के बीच में आ गया, जैसे कभी चूहा जैसे अटक जाते हैं ना, कई फंदे में अटक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रावण उस धनुष के बीच में अटक गया। उसके ऊपर धनुष इतने भारी और इतने विशाल है, रावण उसमें क्या हो गया, दब गए, उठाने के तो प्रयास उठाते नहीं पाए, थोड़ा सा उठाया और उसमें ही वो दब गया, जैसे चूहा जैसे चूहे जैसे तो किसी से फंदे से दब जाते हैं ना, और रावण उसको चींची चींची करने लगे। और ठीक उसी समय सीता देवी जो उसमें छोटी थी, सीता देवी ने आकर के क्या कि सफाई करने के समय धनुष को ऐसे उठाया और रावण निकल के बाहर करके आ गए, वो भागे। ऐसे प्रसंग है, रावण जानता था ये धनुष के विक्रम क्या है, प्रभाव क्या है, इसके करना कोई साधारण नहीं है। फिर सीताजी के विवाह प्रसंग भी दिखाया, सीता जी के साथ विवाह हुई, रामचंद्र के विवाह प्रसंग, हरधनुष भंग आदि कथा प्रसंग है, जिससे हरधनुष भंग होने के पश्चात वो आ गया, परशुराम आ गया, वो भी प्रसंग भी बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में इतने सुंदर सरस करके लिखा है, परशुराम आकर के बार बार कुठार के द्वारा
शासन करने लगे। बोलो इस धनुष के किसने तोड़ा है, उसके मैं दंड देना चाहता हूं। बार बार गुड़ा लक्ष्मण उनके साथ क्या करने लगे, मजाक करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। बोले क्या बात है, एक धनुष टूट गया उसके लिए आप इतने परेशानी हो रहे। अरे हाँ तुम जानते हो ये धनुष के महिमा क्या है। लक्ष्मण ने कह रहे भाई ये ऐसे धनुष तो हम बचपन में कितने तोड़ दिया है, और कुठा लेकर बार बार है लक्ष्मण के चलने डरा रहने लगे। लक्ष्मण कह रहे मैं थोड़ी ऐसी कुम्हरा थोड़ी हूँ, कुम्हरा समझते हो काशीफल, काशीफल जब छोटा रहते ना आप किसी को जब उंगली ऐसे कर दो है काशीफल की तरह से उंगली कर दो सुना जाता है वो काशीफल सड़ जाता है, बर्तन इधर छोटा होता मरे है। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं ना काशीफल जब जब आते हैं ना छोटा आते हैं ना उसमें ये बांध देते हैं, क्या बोले घास लेकर इसे बांध देते हैं है? खोड़ा दे के बांध देते है, ये कोई उंगली देखा है तो वो सड़ेगा नहीं है। समझे आप लोग खेती नहीं करते हो ना जानते नहीं, बुरी नजर नहीं लगेगा है। तो लक्ष्मण उसी प्रकार कहने लगे क्या मैं वही कुम्हरा थोड़ी हूँ या ऐसे करने से मैं सड़ जाऊंगा, और उनके और भी क्रोध बढ़ने लगे है। आज जितने को तो उसमें लक्ष्मण करे बार बार मुझे ऐसे करे है, अपराधी कौन है, अपराधी के साथ में है। तब से भगवान रामचंद्र के दैन्य विनय होकर कहने लगे अपराधी आपके पास विराजमान, जो दंड देना चाहते हैं उसके लिए। कौन अपराधी कौन है, उसमें भगवान रामचंद्र मैंने इस धनुष को तोड़ा है। तुम्हारे नाम क्या है, अरे मेरा नाम राम है। हाँ तुम मेरा नाम ले लिया, बोले बोले प्रभु आपके नाम तो बहुत बड़ा नाम परशुराम, और मेरा तो दो अक्षर युक्त नाम, आपके नाम कितने अक्षर है, पांच अक्षर युक्त है परशु और राम, और मेरा तो दो अक्षर, मैं तो आपके लिए बहुत मैं आपके निकट तो सामान्य बालक मात्र हूँ, कहाँ आप महान हैं है। बोले हाँ मीठी मीठी बात करते हो है, क्या तुम वही राम है, जो विष्णु के अवतार। बोले नहीं नहीं मैं तो आपकी सेवक हूँ। अच्छा ये धनुष के ऊपर पतंजलि जो चढ़ाया ये कोई साधारण है, तुम सचमुच यदि भगवान राम हो विष्णु अवतार तो इस धनुष के ऊपर इस धनुष में तुम पतंजलि चढ़ाओ और देखो। भगवान रामचंद्र जब वो तीर पर तीर चलाए तब वो समझ गए साक्षात दिखने लगे ये साक्षात विष्णु स्वयं भगवान राम, तो विचार करने लगे तो मुझे मार ही देंगे। और भगवान रामचंद्र बोले देखो एक बार बाण में तीर चढ़ जाए वो तो वापिस नहीं आएगा जाएगा। और परशुराम कहने लगे हे राम भगवान मुझे क्षमा करो ठीक है मेरे सारे तपस्या बोल के तुम नष्ट कर दो किंतु मुझे जान से मत मार, मैं तो तपस्या के लिए फिर अपने योगी पुण्य जो कुछ मैं प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान रामचंद्र उसके सारी तपस्या को नष्ट कर दिया और फिर परशुराम चले गए। फिर दशरथ क्या बोले जनकपुरी जनकपुरी में रामचंद्र के विवाह आदि की सीता देवी के विवाह आदि के लिए फिर अयोध्या में क्या देते हैं नोता देते हैं ना निमंत्रण दिया है। फिर दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर
दशरथ महाराज पधारे और इधर सारे रानियां जो है, विशेष करके उस समय सबसे बड़े प्रसन्नता किसके हुई? कैकेयी की प्रसन्नता है। कैकेयी अपने पुत्र भरत अपेक्षा जो है राम से अधिक स्नेह करते हैं। राम की वनवास के प्रसंग में ये भी आता है। एक बार रामचंद्र जब छोटे थे, माँ कैकेयी से यही वर मांग लिया था, ये मुझे आप वन में भेज देना, ये क्यों? बोले मैं जिस कारण से जगत में आया उसका हमें पूरा करना है, योग माया के द्वारा उनके मुंह से भी ये भी बता दिया। ये भी प्रसंग है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है इसमें है। क्या बोले भगवान रामचंद्र कैकेयी के कहने लगे, मैं जिस कारण से धराधाम में आए हैं वो तो मुझे पूरा करना है ना, इसलिए मेरे पिताजी से ये वर मांग लेना। लोग कैकेयी के ऊपर दोष लगाते हैं किंतु वास्तव रूप में कैकेयी के दोष नहीं है, आगे की लीला को जो है पूरा करने के लिए स्वयं रामचंद्र ही कैकेयी कहा समय आने पर मेरे पिताजी से ये वर मांग लेना, मुझे 14 साल के लिए वन में वास है। आज जिसमें क्योंकि उस समय बड़े बड़े अनेकों राक्षस आदि जो है जंगल में रहता था उसके वध करना के कारण था। इसके आगे जाके रावण आदि वध, फिर सुतीक्ष्ण आदि के दर्शन देना, कबंधक वध आदि प्रसंग भी उसमें है। कबंधक नहीं नहीं उसमें कह रहे हैं रामचंद्र जब छोटा थे माँ कैकेयी से उन्होंने ये बात बताया है, जिस समय आने पर मेरे पिताजी से यह वर मांग लेना, ये मुझे 14 साल के लिए वनवास हो। कैकेयी दशरथ महाराज के 14 साल के लिए क्यों कहा गया? एक्चुअल तो भगवान रामचंद्र ही कहता है ये तो मेरे पिताजी से ये वर मांग लेना है। तो उसमें कैकेयी कहने लगी ये क्यों? पर मैं भगवान रामचंद्र कहने लगे मैं जिस कारण से संसार में आया उसको मुझे पूरा करना है, यदि वन में नहीं जाए तो असुर वध कैसे होगा है, और बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग मुझे दर्शन करने के लिए जो तड़प रहे हैं उनकी भी दर्शन देना था है। ऐसा प्रसंग भी बहुत सुंदर में दिखाया है, क्योंकि ये सब लीला है इसलिए कोई कर्मफल नहीं, जीवों के होता है कर्मफल है। जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं वो कर्मफल वो भोगते हैं। भगवान जो लीला भगवान जो करते हैं उसे कर्मफल इसी की कहते हैं लीला है। सब पूर्व निर्धारित कर दिया, लीला कैसे होगी पहली निर्धारित होगी, ऐसे नहीं हो जाते लीला है। कोई वस्तु ऐसे नहीं होते, ड्रामा करने के लिए उसके पहले सारे कुछ प्रबंध हो जाता है, व्यवस्था हो जाता है, केवल दर्शक के निकट केवल वो दिखाना है बस है कि नहीं है। वो केवल पर्दा जब उड़ जाता है तब देखते हैं, क्योंकि पर्दा के उड़ने के पहले पीछे क्या है सारे कुछ तैयारी करके रखे हैं। ठीक उसी प्रकार भगवत तथा रामलीला की भी दिखा रहे हैं। हम लोग कैकेयी के दोष देते हैं
ये कोई की क्यों ऐसे वर मांग लिया है? राम जैसे पुत्र है किसके हुआ नहीं होगा, स्वयं भगवान है। जन जन के हृदय में हुई थे राम बैठे हुए, और उनको वन में कैसे भेज दिए है? इसलिए इसको भी कहा जाता है लीला कहा जाता है। इसमें कोई कर्म के द्वारा नहीं, इसलिए भगवान गीता में क्या जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म आदि जो है ये अलौकिक है, अपराकित है। इसी की जो समझ लेते हैं वो संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाते हैं। इसलिए भगवत लीला में किसी प्रकार संशय होना नहीं चाहिए, सब पूर्व निर्धारित है। जीवों की क्या है पूर्व निर्धारित नहीं है, हम जैसे जैसे कर्म करते जा रहे वो कर्म की फल हमें होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं मिथ्या दोष लगाएं, काल ही कर्म ही है, मिथ्या दोष लगाएं। लोग दोष लगा देते हैं जी, अब मेरा भाग में ऐसे ही था, तुम्हारे भाग ऐसे ही था क्या? तुमने किया तो ऐसे ही आ गया, भाग कैसे है? हैं? तुमने ऐसे कोई कर्म किया जिस कर्म के फल वो फलीभूत होकर के है वो आ रहे हैं। आज ये कथा मैं कभी भी सुनाता रहता हूँ। दो मित्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, और बीच में दोनों मित्र के पास जो है 5-5 रुपया था, 10 रुपया, और 10 रुपया से दोनों मित्रों ने एक लॉटरी खरीद लिया है 10 रुपये में, और लॉटरी खरीद लिया तो आश्चर्य हो गया है दोनों में, उनके 1,00,000 रुपया लॉटरी लगी। देखो है 10 रुपये में कितने पैसा मिला, 1,00,000 रुपया, लाखपति हो गए दोनों है, तो 50-50,000 रुपये हो गए ना, तो आधा आधा बांट लिया है। तो उसमें शाम हो गया, पहले चलो हम एक होटल में ठहर जाते, होटल में जाकर दोनों मित्र ठहरे। उसमें एक मित्र विचार करने लगे, भाई कोई तो जानते नहीं है, किसी को पता नहीं हम दोनों के पास जो 1,00,000 रुपया है, एक काम करें। उसमें एक मित्र विचार करने, इसको मार देता हूँ और मैं ही पूरा ले लेता हूँ, कौन किसके पता है। ऐसे विचार करके दोनों मित्र जब होटल में रहने लगे, एक मित्र विचार करने लगे भाई इसको कैसे मार दें, इसलिए करने लगे वो बाजार में एक बार मैं दूध खरीद करके ला दूँ, दूध लेकर के उसमें कुछ जहर मिला दी है और उनको मित्र को पिला दिया, मित्र मर गया। लोग प्रचार करते उसको क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया है। अच्छा फिर उनके दाह संस्कार करा दिया, और उसमें से 10,000 रुपया जो है अपने मित्र परिवार को दे दिया, और खूब बहुत सहायता कर दिया। लेकिन दिखाते हैं ना मैं कितने है, तुम्हें किस कैसे साधक कार्यक्रम, उसके साध शांति आदि, लोग जो उनके खिलाना पिलाना है, उनके मित्र कहने लगे वाह कैसे मित्र है। चलो समय के अनुसार चले गए, और उनके पास अभी कितना पैसा है, है? 90,000 हो गया ना, अपना 50 और 40 मित्रों के जो है 50 रुपये, 10,000 रुपये खर्च किया, बाकी तो 40,000 रुपये रहे। तो 90,000 रुपया उन्होंने किया कि बिजनेस शुरू कर दिया, और बिजनेस शुरू करने के साथ ही साथ उनके बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो गया। देखते देखते कुछ सालों के अंदर में वो जाने कितने करोड़पति बन गया है, माले माल हो गया। लोग देख करके आश्चर्य हो गया, बोले देखो ये कैसे धर्मात्मा है, इतने करोड़ रुपया आने लगेंगे। ऐसे करते करते 25 साल मानो बीत गया,
और फिर 25 साल के बाद 25 साल उनके एक पुत्र हो, उनके बेटा हो गया 25 साल के हुआ है, तो बेटा की शादी के लिए व्यवस्था किया, करोड़पति है, विवाह के दिन ही, और उसके बेटा के पेट पेट में इतने दर्द होने लगे, विवाह तो हुआ ही नहीं, उसके डॉक्टर को डॉक्टर कहने लगे, कोई सारे रिसर्च करके देखा उसके कोई रोग निर्णय करने पे, तो उसको लेकर उसके लिए गए दुबई ले गए, ये उम्र उजला में बहुत साल में पहले निकला था, ये सत्य घटना है, ऐसे ही करना है, उसके दुबई ले गए, दुबई में भर्ती कराया अस्पताल में है, और वहीं पर रहे, सारे पैसे को उनके पिताजी ने सारे अपने बिजनेस के पिता पैसा को सारे पुत्र के वो लगा दिए है, बिजनेस के जितना पैसे कितने करोड़ रुपया पानी की भांति बस चला बह गया है। अंत में डॉक्टर ने कहा हम इसकी कुछ कर इलाज कर नहीं सकते, ये मन इसको लेकर के जाओ है, बेटा सोए हुए बेड पर, सोए हॉस्पिटल में बेड पर सोए हुए, और पिताजी बैठ बैठे चिंतन कर रहे हैं, ये मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया है और मेरा सारे धन चला गया है, उसको वो अभी तो याद नहीं ना, वो कितने साल 25 साल तो बीत गया, वो याद थोड़ी रखते हैं कहाँ के पैसा कैसे किया है, और देखो है आज मेरा बेटा भी चले, डॉक्टर ने कहा दिया इसको देश में अपने देश में ले जाओ है, और उनके इतने वो हो गया, उनके पास खाने की तक भी पैसा भी नहीं है, क्या करें, ऐसे विचार कर रहे थे मैंने कौन सा कर्म किया जिसके फल से सारे मेरा बिजनेस ठप हो गया, नष्ट हो गया, और मेरा बेटा भी चल रहा है, इतने से जब ये चिंतन करें ना, वही बेटा खड़े हो गए, कह रहे पिताजी क्या चिंतन कर रहे हैं, कह रहे बेटा तू जीत, बोले हाँ हाँ, बोले पिताजी याद है आज से 25 साल पहले है आप अपने मित्र के साथ गए थे और लॉटरी मिला 1 लाख रुपए मिली, और ये सारी कथा को सुनाया, बोले आप मुझे 20 दे, बोले मित्र को 20 दे के मार दिया था, सारी कथा सुना, हाँ 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 कर, बोले मैं ही आपके वही मित्र ही था है, आज मैं आपके मित्र था, अभी आपके पुत्र होकर के मैं आया है, और पूरा ब्याज समेत मैं लेकर के जा रहा हूँ, ऐसे करके उनके बेटा फिर बिस्तर पर सो गए और चले गए, बोले वृंदावन बिहारी है, बोले पाप ऐसे वस्तु है छोड़ेगा नहीं वो, इसलिए बंगाल में एक कथा है, है क्या कहते हैं पाप को भी सुख पाप को भी लुकाने सागर को भी सुखता नहीं, सागर पानी के क्या बोले समुद्र के जल को भी सूखेगा नहीं, और पाप कभी आप छुपा नहीं सकते हो, कभी नहीं कभी वो बाहर निकल करके आएगा है कि नहीं, है कि नहीं, कहीं भी जाओ लोग सोचते हैं ये जब मुझे पकड़ेंगे नहीं है, एक दुष्ट राजा था वो सोचता था मैं जमलोक में जाऊंगा ही नहीं, बहुत पाप किया, जब वृद्ध हो गए मरने वाला था वो विचार करने लगे जितने समय तक हम जीवित रहे अच्छा ही है ना, तो उन्होंने किया कि ये कहानी है सुनिए, उन्होंने देखो 100 जो अपनी मूर्ति बना ली, कितने मूर्ति बनाया 100 मूर्ति बना ली, अपने पुत्र मूर्ति बना देखने बिल्कुल जैसे है, जब मरने वाला है ना तो वो 100 मूर्ति के बीच में जाकर के वो सो गए, यहाँ पर जमदूत आ गए, जम महाराज ने कहा जाओ फलाना व्यक्ति फलाना राजा के पकड़ के ले आओ, और जमदूत आकर तो हैरान हो गया इसमें 100 में कौन है, ये राजा कौन है,
जमदूत हैरान हो गया, भाई किसी को जो मरने वाला जिसकी मृत्यु नहीं उसको लेकर के जा, जमदार महाराज उसकी पिटाई करेंगे, अपराध ही नहीं है इसे कैसे। और देखो वो उतने हैरान हो गया, जमदूत लूट करके बोले महाराज हम पहचान में नहीं आ रहे इसमें असली राजा कौन है। जम महाराज जी स्वयं आए, जम महाराज भी देखा गया इसमें इस सौ में असली राजा कौन है पहचान नहीं पा। जम महाराज चालाक थे, ये जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, जब महाराज कृष्ण नाम जप करते ही करते ना भगवान बहुत चतुर है। जब महाराज कहने लगे ओहो जिन्होंने ये राजा की मूर्ति बनाया वो बहुत महान है, प्रशंसा करने लगे, और राजा भी बहुत महान है, ये मूर्ति इतनी सुंदर है कहते कहते भाई प्रशंसा करने लगे। जब महाराज करते करते जब महाराज एक शब्द कहा, सब मूर्ति में तो एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर है, किंतु एक मूर्ति में थोड़ा सा नेक सी कमी है। और राजा उसमें कह रहे हैं बोले महाराज जब महाराज बताओ कौन सा कमी है, बोले तेरी कमी है। और सारी मूर्ति बात नहीं करते हैं ना, तो जब महाराज उसके जाकर के पकड़ लिया, पिटाई करके लेकर गए, बोलो वृंदावन बिहारी ना है। हम तात्पर्य क्या है, शिक्षा क्या है, सिख क्या है, संत के सिख क्या है, इस कथा तो कहानी मात्र है, कथा को जो है सिख क्या है, सिख समझते हो, अरे द परपोर्ट मोरल टीचिंग क्या है, मोरल टीचिंग क्या है। तो हम पाप आदि करके जितने भी छुपाने करके प्रयास करें वो कहीं नहीं कहीं आएगा, निकल करता है, छुपा नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं ना सागर कभी नहीं सुखाए और पाप कभी नहीं छुपा लुकाए, उसी प्रकार फिर हाँ अभी तो समय हो गया, 7 बज गया, फिर 10 बजे कथा होगी, 3 घंटा आगे कथा को थोड़ा 2 मिनट कथा समाप्त कर देता हूँ। क्या बताया सुना, सीता जी के विवाह प्रसंग हैं, तो विवाह आदि हुआ सब, बहुत सुंदर रोचक भी कथा है। फिर चारों भाई के साथ विवाह, रामचंद्र के साथ किसके विवाह है, सीता जी के, लक्ष्मण के साथ उर्मिला हैं, फिर भरत के साथ मांडवी, और शत्रुघ्न के साथ सुतकीर्ति हैं, विवाह हो गया, विवाह बहुत धूमधाम से लूट करके आए हैं। इधर फिर प्रसंग भी आ गया हैं, कुछ समय के बाद दशरथ महाराज विचार करने लगे हैं, रामचंद्र की राज्य दे करके मैं निश्चिंत होकर भगवत भजन करूं, मेरे सारा जीवन तो बस राज परिचालना युद्ध विग्रह आदि के लिए चला गया, मैं तो कुछ भजन साधन नहीं किया। इसलिए उन्होंने जाकर के गुरु बृहस्पति वशिष्ठ के निकट कहा, वशिष्ठ ऋषि कहने बहुत उत्तम है, सुग्रस्त शीघ्रम क्या शुभस्त शीघ्रम, शुभ वस्तु जो शीघ्र ही करना चाहिए, जो कुछ करना है अच्छी है। बोले महाराज कहने लगे गुरुदेव आप पंजिका देख लीजिए कौन सा दिन अच्छा है, रामचंद्र की जो है राज अभिषेक करके मैं निश्चिंत तो हो जाऊं। तब उस समय वशिष्ठ ऋषि ने खोला, देखा क्या, आज ही रात माने काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की राज अभिषेक के योग मिल रहा है, इसके बाद बहुत दिन बाद मिलेगा, शुभ मूर्ति सबसे शुभ मुहूर्त हर समय नहीं मिलता है, समझे। इसलिए देखो हम लोग के हिंदू शास्त्र में 4 दिन साल में 4 दिन जो है शुभ मुहूर्त मिल जाता है, उसे पंजीका देखना नहीं पड़ता है, कोई भी कार्य शुभ कार्य करे, विवाह आदि से लेकर के गृह प्रवेश जितने भी मूर्ति पूजा दीक्षा शिक्षा जो कुछ भी कहते हैं, हरिभक्ति विलास में भी लिखा है, ये 4 दिन साल में 4 दिन जो है शुभ मुहूर्त कहा जाता है, कोई कुछ देखना ही नहीं पड़ता है,
समय आदि कुछ देखना नहीं पड़ता है, बस 24 घंटा ही क्या है वो शुभ मुहूर्त है। एक आज के दिन रामनवमी है, दूसरे अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, और एक रह गया विजयादशमी है, दशहरा का था। ये चार दिन जो है इतने शुभ मुहूर्त करते हैं, कोई भी काम करे है वो देखना नहीं पड़ता है। इसलिए आज रामनवमी के दिन बहुत लोग कहते हैं एंगेजमेंट करते हैं ना है विवाह आदि, किंतु उसमें खाना नहीं चाहिए, खाना है तो फलाहार करें, नहीं तो वो विवाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र की तुमने अवज्ञा कर दिया ना। ठीक है, खाना पीना के माना नहीं कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुने हैं, खाना पीना के हम माना नहीं कर रहे, किंतु व्रत की वस्तुएं खाएं, कुट्टू के आटा खाएं, फलाहार करें है, नहीं आज के दिन अच्छी तरह से अंडा फंडा गंडा खाने लगे हैं, चावल दाल अपने खाने लगे, और अपने दामाद और नौकिया क्या आते हैं मुझे पता नहीं है, रिश्तेदार के खिलाए, तो वो शादी क्या हो जाए, बर्बादी हो जाए। सीधी बात बोलता हूँ, ध्यान से सुना अच्छी तरह से है, आ समझे नहीं, क्योंकि भगवान रामचंद्र की उपवास नहीं किया, और विष्णु इसलिए कहते हैं विष्णु कीर्तन है, जिहानो भक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतज नरणार बिंदम तान अनधम असतो अकृतो विष्णु कीर्तन। यह विष्णु कीर्तन शब्द के अर्थ होता है एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी है, नृसिंह चतुर्दशी, ये समस्त जो है इसमें कहते हैं विष्णु कृत्वान है। भगवान श्रीहरि के जो अनुष्ठान दिवस जो है उसके पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं करते उसके जमलोक में जाना पड़ता है। रामनवमी तो अच्छी दिन है, किंतु राम जी के व्रत करना पड़ेगा, ये नहीं है ठीक है एंगेजमेंट करो विवाह करो कुछ भी करो है, माना नहीं है, किंतु व्रत की नियम का पालन करो है। इसलिए ये नहीं है, बड़े बढ़िया बढ़िया करके खा लेते, और वो बढ़िया क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाए। हम भी सज्र में कहते हैं बोले राम महाराज रामनवमी करो, बहुत अच्छी बात है किंतु ध्यान से करो नहीं तो वो शादी क्या हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाए। इसलिए रामनवमी आदि ये जो चार जो तिथि बताया, मुहूर्त तिथि है ध्यान से, बाकी में तो कोई नियम नहीं उसमें, जैसे अक्षय तृतीया, तृतीया के दिन तो आप कर सकते हैं, खान पीन में कोई ये नहीं है, बसंत पंचमी वो भी अच्छी तिथि है, दशहरा दशमी थी विजयादशमी है, आ समझ कार्तिक महीने पहले की जो हम करते हैं विजया है, मद्दाचार्य जी की आविर्भाव तिथि है, किंतु ये रामनवमी जो है इसके बहुत ध्यान से देखें, नहीं तो बर्बादी हो जाएगा सब है। तो इस नवमी तिथि में विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। इसी देखो भगवान रामचंद्र की रमन नवमी तिथि में आविर्भाव हुई, और नवमी तिथि में उनकी विवाह हुई, और भगवान रामचंद्र जो यात्रा किया वो भी नवमी तिथि में रामनवमी नहीं, रामनवमी में जा सकते हैं भाई करते हैं, तथापि जो है पंजीका अनुसार नवमी तिथि में यात्रा निषेध कहा गया, वहीं पर रामनवमी नहीं लिखा, नवमी तिथि साधारण जो नवमी तिथि जो है वो यात्रा निषेध है। आया समझे, गुरुदेव की कथा याद आ जाता है, गुरुदेव कब गए हैं, नवमी तिथि था, दिल्ली से जगन्नाथपुरी कब गए थे वो भी नवमी तिथि था,
आज समझ माधव जी को पूछो कहते नहीं नहीं गुरुदेव बोले नहीं मुझे आज ही लेकर के चल है। वो रामनवमी नहीं था वो तो दिसंबर में ना दिसंबर नहीं था और गए थे यहाँ पर ठीक एक महीने पहले वो भी नवमी तिथि था है। नवमी तिथि जो है अच्छा नहीं है पंजिका में लिखा है इसे नवमी तिथि के प्रणाम करो है। राम जी बोलना चाहते हैं राम नवमी घर में बैठो राम घर में बैठो है। फिर राम राम हाँ जो कथा सुनाया है ये सब लीला है भगवान रामचंद्र से सब लीला आदि दिखा लेकिन आज के दिन भी वनवास भी है और लोटे भी रामनवमी के सब नवमी नवमी है सब नवमी कर रामनवमी इसलिए रामनवमी कहते हैं ना रामनवमी सीता नवमी सीता नवमी पालन करते हैं ना सीता जी की भी लीला भी इसी प्रकार है सीता नवमी पालन कर फिर ठीक देखो आज से एक महीने बाद सीता नवमी में आए सीता जी की अपीयरेंस लिया है सीता नवमी ये रामचंद्र की विवाह प्रसंग भी दिखाया कितने मधुर जो है ये विवाह यहाँ विवाह कर क्या राज अभिषेक है तो हुआ ही नहीं है। उसमें दशरथ क्या बोले कैकेयी ने वही दो वर मांग लिया एक वर से 14 साल के लिए राम के वनवास और दूसरी वर में भरत के राज्य है। ये स्वयं भगवान रामचंद्र जोग माया के द्वारा ही कैकेयी के मुखारविंद में प्रकट कर दिया है। तो ये समस्त कथा भी वर्णन है, फिर रामचंद्र वन में गए है जहां पर फिर भरत मिलाप भी दिखाया कितने सुंदर और इधर भरत जी ननिहाल से आए वो भी कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर है। भरत की कथा जो इतने सुंदर लगते हैं आज में देखो रामचंद्र एक लक्ष्मण की जो चरित्र और भरत के चरित्र में यदि हम दोनों की तुलना करें कंपेयर करें भरत की जो कथा जो है एक कुरुनांतक कहा गया कुरुनांतक समझे वेरी पैथेटिक है। भरत की सेवा भरत की भावना कितने उच्च स्तर है कितने उच्च स्तर की होता है। लक्ष्मण की कम नहीं है लक्ष्मण तो सेवा के मूर्त विग्रह कहा गया ये तो ठीक है किंतु भरत की जो भाव जो है वो एक अपूर्व का है। उसमें जो भरत के जो पाठ करते भरत के जो रोल कर रहे रामानंद सागर उसके देखने ही ऐसे लगता है देखो कैसे भाव में विभू रोल कर रहे है। रामानंद सागर ने जितने भी वो रामायण के जो क्या बोले कैरेक्टर को लिया गया वास्तव चुन करके लिया गया है और सब एक कैसे सुंदर ये करते हैं है कि नहीं देखा ना आजकल जो वो दूसरी जो करते हैं वो तो देख करके अच्छा नहीं लगता है किंतु देखो रामानंद सागर की रामायण में जितने भी करेक्टर है चरित्र वो उन्होंने चुना अपूर्व है जैसे उनकी बोलना चलना है भाव माधुर्य के प्रकाशित किया
आप भरत को देखने से ऐसे लगते हैं ना, ये कैसे भाव में सब समय डूबे रहते हैं। देखो राम की भी चरित्र कैसे सुंदर दिखा, इसलिए जन जन में है, घर घर में उसी की फोटो लेकर पूजा करने शुरू कर दी। आज तक भी लोगों के घर में है। सीता जी के चरित्र देखो, जी सीता जी जो बने, आज तक भी घर घर में है उसकी फोटो लेकर के लोग पूजन करते रहते। चरित्र इतने सुंदर दिखा है। हनुमान भी देखो, दारा सिंह है, हनुमान के चरित्र अद्भुत है। इतने साल हो गया अभी तक भी लोग उसी सीरीज के कितने बार देखते हैं। मैंने गुरुदेव के देखे कितने बार, गुरुदेव ने देखा एक बार नहीं है। जब जब गुरुदेव के साथ विदेश में हम गए, कि हॉलैंड में हो और स्थान पर हो, मैं देखा गुरुदेव रामायण जब उनके समय होते ना, बोले ला है गुरुदेव देखते रामायण में इतने सुंदर आनंद होता है। रामलीला इतने सुंदर है। रामचंद्र के वनवास भी, वन में जाकर के कितने असुरों के उन्हें निधन किया, उसमें अनेक लीलाएं हैं उसमें है। फिर सीताहर क्या बोले, सीताहरण हुई, ये समस्त कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर। सीताहरण के पश्चात फिर रावण वध के बाद और छाया सीता को अग्नि में प्रवेश कराया करवाया, और फिर असली सीता को वापस लेकर के आया। फिर राम लक्ष्मण सीता वापिस आए है अयोध्या में, राज अभिषेक हुई, और फिर कुछ समय के बाद जब सीता देवी गर्भवती थी है, और उस समय कुछ प्रजा लोग है सीता देवी के ऊपर कलंक लगाया है। उसके लिए प्रजारंजन लोकरंजन रामचंद्र ने किया कि सीता देवी की वनवास की है ये दिखाया गया। मैंने कहा वास्तव रूप में रामचंद्र सीता देवी के मैंने वन में नहीं भेजा, रामचंद्र जानते हैं है? संत परीक्षा करके लेकर गया, फिर उनके वन में क्यों भेज रहे हैं है? सीता देवी स्वयं कहने लगी, देखो आप राज सिंहासन में बैठने के समय हमारे पितरों की साक्षी देकर के आपने कहा था, क्या कहा, जे मैं ये राज सिंहासन में बैठ रहा हूं केवल प्रजाओं के सुख के लिए। राजा किसको कहते हैं, प्रजाओं के सुख के लिए तो राजा होते, अपने सुख के लिए नहीं है। राजा एक सन्यासी की भांति होते हैं। सन्यासी के कर्तव्य क्या है, दूसरे के परोपकार करना, अपने भजन और दूसरों की परोपकार। इसलिए उसमें सुंदर देखो शब्द ऐसे सुंदर प्रयोग किया है, राजा एक सन्यासी की भांति होनी चाहिए है। ये नहीं है प्रजाओं की टैक्स लेकर, प्रजाओं से टैक्स लेकर के अपने भोग में रहें, मत्त रहें, ये नहीं है। राजाओं के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, शासक के यही कर्तव्य है ये प्रजाओं की सुख विधान हो है। रामचंद्र के आदर्श ये दिखा रहे हैं और सीता देवी वही कह रही है, ये आपकी प्रजा आपके ऊपर संतुष्ट नहीं है, मैं आपके पास रहूं आपकी प्रजा आपके प्रति प्रसन्न नहीं है, आज स्वयं सीता देवी देखो बेस अपने गुप्तचर भेज करके सारे समाचार। रामचंद्र अपने तो बेस बना करके है प्रजा के बना करके बेस बदल करके देखा, ये हमारी प्रजा लोग कैसे है, तो देखा जग जग में देखा क्या कोई बात है लोगों की सीता के प्रति और राम के प्रति है, इसी प्रकार समालोचना करने लगे। रामचंद्र
सीता देवी के, सीता देखो सीते ये मिथ्या तुम्हारे वो कलंक लगा रहे, मैं जानता हूं है। किंतु सीता देवी ने स्वयं रामचंद्र की कहे, देखो पतिदेव ये जो देवता लोग सब बैठे, हमारे पितरों सब बैठे, इनके सामने ही अपनी प्रतिज्ञा की, ये प्रजा की सुख विधान के लिए ही आप सिंहासन में बैठ रहे, मैं आपके पास रहूं तो प्रजा लोग आपके प्रति, ये आपके प्रति प्रसन्न नहीं है। उस समय भगवान रामचंद्र, रामचंद्र आदेश भी नहीं दिया, मौन धारण किया, और मौन ही सम्मति लखन, और सीता देवी स्वयं ही क्या की है, अपने एक कपड़ा लेकर के बस चल पड़ी, और लक्ष्मण के साथ गए, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की सीमाना पर आकर के, वो भी कितना सुंदर रोचक करके दिखाया, लक्ष्मण तो रोने लगे। लक्ष्मण बोले मैं आपके पास ही रहूं, मैं भी वापिस नहीं जाऊं, आपके भांति मैं भी वनवास हूं। किंतु सीता देवी ने क्या कहा, लक्ष्मण ऐसे नहीं है, अभी राम को मैं तो आ गया, किंतु राम अभी विवश है, उनके सेवा की जरूरत है, तुम जाओ, सेवक के धर्म तुम्हें पालन करना है। तब भी लक्ष्मण जो है देखो जाना नहीं चाहते। उस समय सीता देवी ने इतने शपथ दिया, और भी जैसे बोले जैसे लक्ष्मण जैसे सीता देवी की कहा ना, ये रेखा को पार करके मत जाओ, उसमें सीता देवी रेखा कर दी, ये लक्ष्मण इस रेखा को तुम पार नहीं कर। अनंतर लक्ष्मण लौट करके आए, लक्ष्मण के चरित्र भी और कितने करुण, वो भी है कितने रोने लगे हैं, वो टीवी के देखे तो आपके आंखों से अपने आप आंसू आए हैं। लक्ष्मण सीता देवी के प्रति कितने श्रद्धा मातृ ज्ञान रखते थे हैं, ऐसा ये सब जी दिखा गया। और राम की सेवा के लिए राम लक्ष्मण, राम सीता के लक्ष्मण के लिए उन्होंने क्या किया, 14 साल तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया है, ये मानव मनुष्य में हो सकता है, 14 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और 14 साल सोए भी नहीं है, वही तो इंद्रजीत के मार सकते हैं, इंद्रजीत के मार वही सकते हैं, कथा प्रसंग उसी प्रकार हुआ है। अयोध्या में जब कथा प्रसंग चलने लगे, ये जंगल में जब रहे, कौन कौन असुर के किसने मारा, इंद्रजीत के किसने मारा, लक्ष्मण ने मारा, तो उस समय ये प्रश्न उठने लगे, इंद्रजीत के जो मारने मारे, इंद्रजीत के पर बर जो था है, ये उसके वही मार सकते हैं जो 14 साल तक खाया नहीं, 14 साल सोए नहीं, और 14 साल स्त्री मुख दर्शन नहीं किया है। 3 नियम उनके पास था, इंद्रजीत के मार सकते, वही व्यक्ति मार सकते हैं जो 14 साल भोजन नहीं किया, 14 साल सोए नहीं, हम एक दिन नहीं से पागल हो जाते है, एक दिन नहीं खाए पेट में दर्द हो जाता है, है? और देखो लक्ष्मण क्या की, 14 साल 3 नियम के पालन किए। अच्छा दो उसमें जो कहते हैं रामचंद्र कहने लगे, अच्छा लक्ष्मण तुम बताओ है, 14 साल तुमने जी खाए नहीं, इसके प्रमाण दो, तो एक एक दिन के जो है वो दोना को लेकर के दे दिया, दिखाया, और उसमें कुछ दिन कितने दिन का दोना नहीं मिला है, 4-5 दिन के जैसे, बोले वो कहा तब तुमने खाया, लक्ष्मण कह लिया नहीं, जिस दिन पिताजी के वियोग हुई हम लोग के समाचार मिला, उस दिन आप भी भोजन नहीं किया, मैं भी भोजन उस दिन हम लाए नहीं। लक्ष्मण हर रोज क्या करते थे, जंगल से जो है सुंदर सुंदर फलों के लेकर के आते थे है, और आकर के रामचंद्र के हाथ में दे देते, और रामचंद्र तीन भाग करके एक भाग जो है सीता जी के, सीता जी तुम ये खा लो, और लक्ष्मण के क्या बोलते हैं, लक्ष्मण तुम इसको पकड़ो, कभी नहीं आदेश नहीं दिया, लक्ष्मण ही कह रहे हैं भाई
आपने नहीं कभी नहीं कहा, कहा ये लक्ष्मण तुम इसको भोजन करो खाओ, धरो लक्ष्मण धरो बस। हम कहते हैं इसको पकड़ो पकड़ो, खाने के आदेश नहीं दिया है आज में। और उसमें कर रहे ये जो चलो कितने दिन के, 5 दिन ना 7 दिन के उसमें जो है, है उसमें कह रहा है जिस दिन पिताजी के वियोग हुई, पिताजी का अंतर्ध्यान हुई, हम लोग के समाचार मिली, उस दिन हम लोग पिताजी के विरह में रहे, उस दिन भोजन नहीं किया है। हिंदू शास्त्र में ऐसे ही लिखा गया, जिस दिन घर जिस दिन माता पिता के देहांतर हो उस दिन भोजन करना नहीं चाहिए है। और घर में कितने दिन तो आग नहीं जलती है, 13 दिन है। तो जैसे दिन हो जैसे दिशाचार जिसके जो है आज मुझे भोजन नहीं होता है घर में, वो दूसरी के घर में भोजन बना करके पक करके लेकर के आते हैं है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं पिताजी के जिस दिन देहांतर हुई हम लोग के समाचार मिली, उस दिन तो हम भी लीन फल लेकर के नहीं आए, हम लोग भोजन नहीं किया है। दूसरे दिन इसके बाद जो है जिस दिन सीताहरण हुई है उस दिन भी हम मैं भी फल भी नहीं लेकर के आया, भोजन नहीं है, हो गया 2 दिन हो गया है। और कितने दिन आ गया, और ऐसे ऐसे करके बताया है। हाँ, और फिर लक्ष्मण के वो जो शक्तिशील बाण में जब जिस दिन लक्ष्मण पड़ेंगे उस दिन भी भोजन नहीं किया है। ऐसे ऐसे करके है ये सारे दिखाए। अच्छा ये तो हो गया, रात में लक्ष्मण क्या करते थे, राम सीता विश्राम करते थे रात को, और लक्ष्मण क्या करते थे तीर धनुष लेकर के चारी तरफ पहरा देते थे। देखो इसका तो मैं तो सोया ही नहीं है, 14 साल तक सोए नहीं। अच्छा जब बताओ नारी मुख दर्शन नहीं किया, सीता जी तो सामने ही थे, तो उस समय लक्ष्मण कह रहे हैं ये भैया है मैं सीता जी के चरण तक दर्शन की, मैं सीता जी के कभी मुख में दर्शन नहीं किया। ये प्रमाण कहाँ पर है, जब रावण सीता जी के हरण करके ले गए है और सीता जी अपने अपने आभूषण के जो अंगों के आभूषण को फेंकने लगे, इसके बाद जब वो आभूषण मिला है चरण के आभूषण दे करके लक्ष्मण के, लक्ष्मण ये सीता जी के ये चरण के आभूषण है, वो तो पहचान गया। जब सीता जी के मस्तक और उनके मुख के चूड़ामणि आदि जो है उसके लक्ष्मण कहते ये मुझे पता नहीं है, ऐसे बात है। तो यहाँ पर ये प्रसंग आ जाता है, सुपर्णाक के नाकंड कैसे कर दिया लक्ष्मण, रामचंद्र की इंगित से जो प्रसंग जो आता है रामायण में है। आज समझे सुर्पनखा बेस बना करके आई, देखा तो कैसे सुंदर राम, राम के दर्श देख करके कोई ऐसे कोई व्यक्ति है आकृष्ट ना हो जाए है। संग राधा जी करें दिव्य उन्माद दशा में, सुर्पनखा के कौन सा दोस्त है भाई है, एक स्त्री जाती स्त्री आई थी और उनके विवाह नहीं करके उनके नाक और कान को काट दे, तेरे नाक और कान काट जाते कैसे दिखने में सुंदर लगे है। नक्कन कटर राजा देख रहे है देखो कैसे है। सुपर्णखे की कथा प्रसंग इसी प्रकार जाता है। आज तो लक्ष्मण कैसे कर दिया है क्या, लक्ष्मण है छाया देखे तो वो भी तो सीता दर्शन हो जाए ना, सीता दर्शन हो जाए छाया के दर्शन करके नहीं है, नाक और कान तो देखे तब तो काटे तो कैसे काटा ऐसे। अरे दशरथ महाराज शब्द भेदी बाण के द्वारा यदि है अंधमणि के पुत्र के
श्रवण कुमार के यदि मार दिया तो लक्ष्मण के पास ऐसे कौन सा विद्या नहीं था है? वो चिंतन करने के साथ ही साथ वो तलवार हो धनुष हो तीर हो अपने आप उनको काट दिया है। राम के आदेश था इसे नाक कान काट दो, भगवान रामचंद्र से नाक कान किसे काट दिया? रामचंद्र तो आदेश दिया पर नाक कान काट दो, किंतु भगवान कहते हैं ये मेरे पास कोई भी वंशा लेकर के आते हैं मैं इसको पूरा कर देता हूँ है। मुझे पत्नी के रूप में आई थी वो कौन? सुपर्णखा। तो भगवान इस रामलीला में उसको मैं शिकार नहीं करते तो उसने कह नाक कान काट दिया, बोले ठीक है अगले जन्म में है वही सुपर्णखा है क्या बोलते हैं ये करके आई है कुब्जा होकर आई है। फिर भगवान रामचंद्र कृष्ण के रूप में आकर के उसने शिकार किया है। वही सुपर्णखा के वंशधर कहाँ चले गए है? सब मरुस्थान क्या बोले रेगिस्तान में गए है सुपर्णखा के वंश। ऐसी कहावत है पुराण में ऐसे दिखा रहे हैं। और उसमें सुपर्णखा कैसे रहने लगी, नाक कान कैसे काट गया, कैसे लोगों के दिखाए, वो अभी जो मांस व्यवहार करते ना उसी से ही बात है। बल वृंदावन बिहारी लाल की है बुरखा है, बुरखा पहनते हैं ये उनकी बुरखा पहनने की यही जो है उद्देश्य है उसकी वंशधर है सब। ऐसे भी पंडित लोग व्याख्या करते हैं बुरखा पहन के हमारे नाक कान काट गया कैसे लोगों ने दिखाई कैसे क्या सुपर्णखा के विवाह हुई थी इसके साथ क्या बोले उसके भी प्रसंग में वर्णन है सुपर्णखा के विवाह किसके साथ हुई थी? अरे जी हाँ चंद सुपर्णखा लव मैरिज किया था उसके नाम थे क्या विद्युत जी हा नाम है क्या है विद्युत जी हा वो पाताल में रहता था है पाताल लोक में रहता था वो रावण के शत्रु था है किंतु सुपर्णखा ने उसके लव मैरिज कर दिया है। रावण ऐसे जान लिया रावण ने किया कि विद्युत जी हा के फिर मार दिया है। तब उसमें सुपर्णखा ने विचार करने की रावण के वंश में ध्वंस कर देता हूं ये भी कथा है। कोई स्वयं सुपर्णखा ने किया कि रावण के वंश में ध्वंस कर देता हूं मेरे वंश के चलने नहीं दिया और तुम्हारे वंश यहां पर मैं ध्वंस कर देता हूं। शकुनी जैसे कौरव वंश के ध्वंस किया है हाँ समझ जो कारण जो दिखा रहे हैं ये तो रावण के बहन सुपर्णखा ने किया कि रावण के वंश के ध्वंस करा है ऊपर से दिखा है भैया 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 है और उल्टा कर दिया है। किंतु पुराण में ऐसे लिखा है ये उसे बोले मेरे जब वंश चलने नहीं दिया है तुम्हारे वंश भी यहाँ पर समाप्त कर देता हूँ है। हाँ समझ सुपर्णखा आकर के तो कहने लगी है ये भैया तुम्हारे लिए मैं सुंदर नारी को हरण करने के लिए गई थी और उन्होंने मेरी दशा कर दी किंतु उल्टा कथा बोले है। हाँ समझ प्रोपेगंडा है उल्टा प्रोपेगंडा कर दिया है सब इंटरनेट कर दिया कभी कभी इसको मैं कहता रहता हूँ अयोध्या क्या संस्कृति है अयोध्या जो है संस्कृति है सुंदर जो कैसे सुंदर और लंका क्या है
विकृति है, ये विकृति है, है? और क्या बताया? और सुर्पणखा क्या है? ये सब उल्टा करके बोलते रहते हैं। मीडिया लोग क्या करते हैं? सच नहीं बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कर देते। बस थोड़ा सा कहीं पानी जम गया, उसके फाटो ले करके बोलते हैं यहाँ पर बाढ़ हो गया, साहब डूब गया। थोड़ा सा तो है कुछ कुछ, जहाँ घटे तो कुछ नहीं घटे, थोड़ा तो हुआ है। ऐसे नहीं है पूरा झूठ बोला, मीडिया लोग पूरा झूठ नहीं बोलते, कुछ है किंतु बड़ा चढ़ा करके कह देते हैं सारे मर गया, सब ये हो गया वो हो गया है। नहीं तो उनके ये नहीं चलेगा, व्यापार बिक्री नहीं होगा है, इतने नहीं होते। मिर्च मसाला कहाँ से हो है? क्या करें? टीआरपी बढ़ाना। हाँ बढ़ाना, और कुछ नहीं। ये सुर्पणखा उसी प्रकार है। हाँ रुके, गई थी राम से मिलने के, राम के विवाह करने के लिए, खुद शादी करने के लिए, और रावण के आकर के क्या बोले, भैया मैं तो गई थी ऐसे सुंदरी पत्नी को, स्त्री को, जाए तुम्हारे साथ विवाह हो जाए, मैं उठाने के लिए गई और उन्होंने मेरा नाकन काट दी। रावण के क्रोध आ गए, देखो हैं, देखो कैसे है ये इंटरनेट उसी प्रकार प्रोपेगेंडा कर देते हैं। बस राय के पहाड़ बना दिया है, पेपर में आ जाते ना, थोड़ा सा कुछ हुआ उसके इतने बड़वा चढ़वा करके इतना लिख देते हैं, और बड़े बड़े हेडिंग लाइन में है ब्रेकिंग न्यूज, और लोग उसे खरीदता रहता है, बोले क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हुआ तो वही कुछ नहीं एक्चुअल, वह हुआ तो सामान्य रूप में कुछ हुआ है, सामान्य रूप में कुछ हुआ, थोड़ा राई के हुआ उसके पहाड़ करके बना गया है। किसकिंदा क्या है? प्रकृति बने। हाँ वास्तव किसकिंदा के ऐसे सुंदर मनोरम देश है प्रकृति का, ये सब वर्णन किया गया है। किसकिंदा की प्रकृति कितने सुंदर, रामायण में विशेष करके इसमें क्या बोले, वाल्मीकि रामायण में दो किसकिंदा के इतने सुंदर वर्णन कर दिया है, मरो है। इसके बाद छोड़ो, फिर पाताल प्रवेश से सीता देवी के वनवास, इसके बाद जो है लवकुश की कथा, और फिर लवकुश के बाद सीता जी के पाताल प्रवेश है, वो भी कोरोनांतक है। कितना सुंदर इसको कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पूरा रामायण कर दो बस है। फिर 10 बजे, अरे हरि कथा तो आपके हाथ से कुछ भी है, आज से रामनवमी है।